आज के इस दौर में महंगाई कितनी बढ़ गई है वो तो हम पेट्रोल डीजल के दाम से समझ सकते हैं। और आज हम पांच ऐसी कारों की बात करने वाले हैं जो देखते ही देखते समय के साथ साथ हद से ज्यादा महंगी हो गई। नंबर पांच पर है फोर्ड एंडेवर। एंडेवर इंडिया में आपको कहीं भी दिख जाएगी क्योंकि इस एसयूवी की बात ही अलग है और लोग इसको मॉडिफाई भी काफी करवाते हैं। 2011 में इसकी कीमत थी 18 लाख रुपए और 2021 में इसकी प्राइस है 36 लाख रुपए, करीब डबल प्राइस हो गई है। महिंद्रा स्कॉर्पियो। महिंद्रा की स्कॉर्पियो अब तक की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। अगर आपके पास से ये एसयूवी निकलती है तो आपकी नजर एक बार तो जरूर जाएगी। 2021 में स्कॉर्पियो की प्राइस है 18 लाख रुपए और उस जमाने में लमसम 10 साल पहले 8 लाख रुपए में आती थी। नंबर तीन पर आती है टोयोटा इनोवा। टैक्सी और लॉन्ग ड्राइव के लिए काफी सही मानी जाती है क्रिस्टा, जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी यूज करते हैं। आज के समय में इसकी टॉप वेरियंट की प्राइस है 25 लाख रुपए और करीब 10 साल पहले इसकी प्राइस थी 12 लाख रुपए। नंबर दो पर है टोयोटा फॉर्च्यूनर। ये सदाबहार कार विदेश से ज्यादा इंडिया में पसंद की गई है। पॉलिटिशियंस के काफिले से लेकर एक अच्छे व्यापारी के पास आपको देखने को मिलेगी, जिसकी एक शोरूम प्राइस है आज 38 लाख रुपए और ऑन रोड में 3-4 लाख और जोड़ दो। और जब लॉन्च हुई थी तब इसकी कीमत थी 18 लाख रुपए, लेकिन खास बात यह है कि इसकी सेलिंग दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। नंबर एक पर आती है रोल्स रॉयस फैंटम। मुकेश अंबानी से लेकर ट्रंप के गैराज में ये कार खड़ी है, जिसकी प्राइस है आज 10 करोड़ रुपए। और आपको क्या लगता है 10 साल पहले इसकी कीमत कितनी होगी? तो वो है 4 करोड़ रुपए। लेकिन आपने सबसे महंगी बुगाटी नहीं देखी है तो इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो।